हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक वीडियो क्रिएटर हो यानी कि यूट्यूब क्रिएटर हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी ऑडियंस के साथ फ्रॉड होने से उनको बचा सकते हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊँगा जिसको कि आप सभी यूट्यूब क्रिएटर को ऑन करनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यह सेटिंग आपको मैं अपने मोबाइल में ही बताऊंगा, क्योंकि अधिकतर क्रिएटर अपना चैनल मोबाइल से ही मैनेज करते हैं। तो सिंपली आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद youtube.com सर्च करना है। उसके बाद यूट्यूब के होम पेज पर आपको राइट ऊपर कॉर्नर में आपके चैनल का लोगो दिखेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको योर चैनल का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको उस पर भी क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके चैनल के होम पेज पर कस्टमाइज चैनल करके एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लेफ्ट में नीचे कॉर्नर में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद उसके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, सिंपली आपको इसमें 5 नंबर पर कम्युनिटी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको फिर से 2 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आपको ऑटोमेटेड फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ब्लॉक लिंक्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आपको इसको सेव करना है, यानी कि इस सेटिंग को ऑन करना है। इससे क्या होगा कि जब भी कोई आपकी वीडियो में कमेंट करके कोई लिंक डालता है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि लिंक पर क्लिक होने के बाद जो फ्रॉड होता है ना, वो आपके ऑडियंस के साथ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।